नमस्कार साथियों, जय भीम। अंबेडकर नामा के 9th एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उसके पहले आप सबका शुक्रिया, इसलिए आप सबका शुक्रिया और जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सबका साधुवाद, धन्यवाद। और इसी तरह से ज्यादा शेयर करते रहें। इसका कारण यह है कि हमारे पास सीमित संसाधन है और हमारी ताकत आप लोग ही हैं। एक तरफ जहां हुकूमत की ओर से सरकारी कार्यक्रम रामायण और महाभारत चल रहे हैं, जिनको सैकड़ों संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है, वहीं हम अपने सीमित संसाधन से, आपके सहयोग से जो पढ़ रहे हैं वो आपके बीच रख रहे हैं, साझा कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको साझा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाएं कि वाकई अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, क्या बोला था, क्या घटनाएं हुई थी। इसमें मैं पढ़ के रेफरेंस के साथ, पेज नंबर के साथ आपके बीच रख रहा हूं। दूसरी बात, मैं आपसे क्षमा भी मांगना चाहता हूं। उसका कारण यह है कि यूट्यूब पे जितने साथी कमेंट्स कर रहे हैं, सब लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। इसका कारण यह है कि मैं दिन भर में 2 एपिसोड बना पाता हूं और 1 एपिसोड बनाने में, यकीन मानिए, कम से कम 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी किताब पढ़ना, उसको अनुवाद करना और फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में, है ना, बातचीत की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, जिससे कि आम लोग आसानी से समझ सके, उसको आपके बीच लाना एक दुष्कर, एक कठिन काम है। इसलिए इसमें वक्त लगता है और पूरे समझिए सुबह 5 बजे से लेकर शाम तक 2 ही एपिसोड बन पाते हैं। तो इसलिए मैं सब साथियों का कमेंट नहीं कर पाता, तो इसके लिए अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। लगातार देखते रहें, बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। बहरहाल, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में 1930 में हुई थी और जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, अब तक ये 9th है और इसके पहले 8 एपिसोड और बना चुका हूं, तो आप उसको जाकर पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन का कांग्रेस पार्टी ने और भारत के तमाम राजनीतिक दलों ने व्यापक विरोध किया था। साइमन कमीशन के सामने अम्बेडकर साहब का साक्षात्कार और लिखित मेमोरेंडम भी दिया गया था, तो वो तो उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो साइमन कमीशन ने 1930 में अपना रिपोर्ट उसने सबमिट किया ब्रिटिश हुकूमत को और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो स्वराज संविधान बना था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, वो उसको अस्वीकार कर दिया और इसके जगह उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की। साइमन कमीशन में कहा गया कि जो स्वराज संविधान है, जो कांग्रेस द्वारा निर्मित, वो सहमतियों पर आधारित संविधान नहीं है। तो ये रिजेक्शन के साथ आगामी राजनीतिक संविधान के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया। सो इतिहास में के इस मोड़ पे यह बहुत ही जरूरी था, आवश्यक था कि जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं वे असर्ट करें, दबाव बनाएं, जिससे कि देश के भावी संविधान में उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उनके अधिकार सुनिश्चित हो सके। सो इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 8-9 अगस्त 1930 को नागपुर में डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का, डिप्रेस ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन की का सम्मेलन हुआ, सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही, वो प्रमुख बात यह है कि उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद और जो विश्व का जो घटनाक्रम है, इस संदर्भ में भारतीय समस्याओं को समझना है और साथ साथ संविधानिक जो संविधान बनेगी उसमें डिप्रेस क्लासेस के हितों की रक्षा कैसे की जाए, इसकी भी चर्चा हमें करनी है। ये 2 प्रमुख बातें उन्होंने कही। दूसरी तरफ भारत में भी जो आजादी की लड़ाई है, आंदोलन, वो जोर पकड़ रहा था। तो भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए और संभावित संविधान कैसा हो इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रतिनिधियों, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि और ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके प्रतिनिधियों को मिलाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई। और आपको यहां मैं बता दूं कि ये जब साइमन कमीशन जब आया था, उसी समय इस बात की चर्चा हुई थी कि जब साइमन कमीशन, वहां के ब्रिटिश हुकूमत ने और एम्परर सम्राट ने कहा था कि साइमन कमीशन जब
रिपोर्ट अपना सबमिट करेगा तो उनके अध्यक्षता उसके आधार पर लंदन में सभी प्रतिनिधियों के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। ये बात पहले ही हो चुकी थी। खैर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ लंदन में, उसके कंपोजिशन को देखेंगे तो उसमें टोटल 89 मेंबर्स थे, 89 मेंबर थे। उसमें से 16 सदस्य जो है ब्रिटेन के 3 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, 16 सदस्य। 53 सदस्य जो थे 53 वो थे इंडियन भारतीय प्रतिनिधि थे। और यहां याद रखिएगा कि कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी, कांग्रेस ने बायकॉट किया था, इसलिए कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि वहां पे नहीं था। तो भारत के जितने प्रतिनिधि गए थे उसमें से 13 जो है प्रमुख हिंदू नेता थे, जैसे तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, चिमन लाल सीतलवाड़, श्रीनिवास शास्त्री इत्यादि, ऐसे प्रमुख लोग गए थे। जो मुस्लिम नेता में थे उसमें से प्रमुख जो लोग थे वो थे एच खान, आगा खान, सर मोहम्मद सफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजहुल हक, ये मुस्लिम नेता थे। सिख ईसाई नेता में का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे ईसाइयों का वो थे केटी पॉल, और हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बी एस मुंजे, जो मुंजे की चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, मुंजे और राजा जो समझौता हुआ था ज्वाइंट इलेक्टोरेट को लेकर, उसको पिछले एपिसोड में उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जो सिख समुदाय के प्रतिनिधि थे वो थे सरदार उज्जवल सिंह, और रजवाड़ों की ओर से जो रजवाड़े थे उनकी तरफ से अलवर, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, कश्मीर और पटियाला के राजा, पटियाला के महाराज सब उसमें शामिल हुए थे। जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थे उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे सी पी रामास्वामी अय्यर और मिर्जा इस्माइल, सर मिर्जा इस्माइल। तो ये थे खास लोग जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो डिप्रेस क्लास की ओर से, जो अनटचेबल्स की ओर से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर और बहादुर श्रीनिवासन, ये दो व्यक्ति डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वायसराय की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर को 6 सितंबर 1930 को राउंड टेबल में आने का न्योता मिला था, और इसी न्योता के आधार पे अंबेडकर साहब श्रीनिवासन के साथ इंग्लैंड गए थे। सो यह सम्मेलन निश्चित रूप से भारत के इतिहास में, भारत और ब्रिटेन दोनों के इतिहास में एक बड़ी घटना थी निश्चित रूप से। लेकिन जो अस्पृश्य थे, जो अछूत थे, जो डिप्रेस क्लास के लोग थे, उनके लिए यह युगांतरकारी घटना थी। यह युगांतरकारी घटना थी क्योंकि भारत के भावी संविधान के निर्माण में अन्य समूहों, अन्य प्रतिनिधियों, अन्य राजनीतिक दलों की तरह पहली बार डिप्रेस क्लास के प्रतिनिधियों को समानता के आधार पर उसमें शामिल किया गया था, समानता के आधार पर शामिल किया गया था। और आपको यहां याद रखना चाहिए कि 2000 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जिस समय अछूतों की आवाज सुनी जा रही थी, समझी जा रही थी, और उनको एक इक्वल फुटिंग पे उनको मौका दिया जा रहा था। इसलिए इसको कह सकते हैं कि वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन, टॉपसी टर्वी, कि दुनिया मतलब उलट पुलट हो गया, उस तरह की घटना के रूप में इसको देखा जा सकता है। खैर, 4 अक्टूबर 1930 को डॉक्टर अंबेडकर श्रीनिवासन के साथ इंग्लैंड के लिए प्रस्थान करते हैं मुंबई से। और उस समय के जो हालात हैं, अगर पिछले एक आध वर्ष का देखेंगे हालात, तो बहुत ही टेंस्ड माहौल था, क्योंकि कांग्रेस और कई राजनीतिक दल साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने बायकॉट किया था। तो बहुत ही टेंस्ड माहौल था, और जो लोग इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे और चाहे भारतीय समस्याओं का समाधान करना चाह रहे थे, उनको एक तरह से गाली दिया जा रहा था, उनके खिलाफ घृणा का माहौल बनाया जा रहा। तो कुल मिलाजुलाकर भारत के अंदर उस समय स्थिति बहुत ही टेंस्ड सिचुएशन था, तनावपूर्ण था। तो अंबेडकर इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने 8-10-1930 को एडन से अपने सबसे खास आदमी और अपने सचिव शिव तारकर साहब को उन्होंने चिट्ठी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आप वहां पे अपना ध्यान रखेंगे, अपने लोगों का ध्यान रखेंगे, और साथ साथ जो अपना ऑफिस है उसका भी ख्याल रखेंगे, उसको बंद करके रखेंगे। तो उनका ध्यान इधर भी लगा हुआ होता था, बिकॉज टेंशन की वजह से, आंतरिक तनाव की वजह से। खैर, इंग्लैंड का अराइवल, वहां पे आगमन होता है अंबेडकर साहब का, तमाम डेलीगेट्स का।
तो आगमन पे उन्होंने पाया, वहां पे जो लोकल पॉलिटिकल सिचुएशन था, जो माहौल था, वहां पे उन्होंने पाया कि डिप्रेस क्लास की समस्या को लेकर ब्रिटेन में बहुत ही सिंपैथेटिक माहौल है, बहुत ही सहानुभूति पूर्वक माहौल है। इसलिए वहां पहुंचते ही अंबेडकर ने जो ब्रिटेन के प्रमुख दलों के जो नेता थे, जो उनके पॉलिटिकल बॉसेस थे, उनसे मिलना शुरू किया, उनसे राय मशवरा विचार विमर्श करना शुरू किया। तो ये वहां चल रहा था, लेकिन उनका ध्यान भारत की ओर था कि भारत में उस समय जो चावदार तालाब आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन वो कोर्ट में जा चुका था, तो उनका उस पर भी था। और मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ लोग को का नॉमिनेशन होना था, तो इन दोनों मुद्दों को लेकर अंबेडकर का ध्यान भारत के तरफ भी था, जिसकी सूचना वो तार के द्वारा लेते देते रहते थे। सो बहरहाल इन सब घटनाओं के बीच द कर्टन वॉज रेज्ड ऑन 12th of November 1930। इस पूरे जो पर्दा उठता है, जो उद्घाटन का पर्दा उठता है, वो 12 नवंबर 1930 को उठता है। और जब उद्घाटन जिस दिन इस कार्यक्रम का हो रहा है, उसको आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि ब्रिटेन में क्या कौतूहल हलचल था और लोगों में काफी उत्सुकता थी। और वेन्यू जहां पे था, उद्घाटन का वेन्यू था, वहां पे हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे ये देखने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है भारत के समस्या को लेकर, और खास तौर से डिप्रेस क्लास अछूतों की समस्या को लेकर। बहरहाल ब्रिटिश सम्राट ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत में हमने कई बार सम्मेलनों का आयोजन किया है, कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की भूमि पे कई बार कई सम्मेलनों का आयोजन किया है, लेकिन यह ऐतिहासिक क्षण है कि जहां पे हम लोग इंग्लैंड में राजनीतिक विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, भारत के प्रतिनिधि, तमाम लोग मिल रहे हैं, और ये ऐतिहासिक क्षण है, और आप में से कई लोगों का नाम इतिहास में दर्ज होगा। ये आज आप याद करिए कि आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, उन व्यक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं जो 89 मेंबर्स उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वाकई वो एक ऐतिहासिक घटना थी। सम्राट के चले जाने के बाद, उद्घाटन भाषण के बाद, सर्वसम्मति से रैमसे मैकडोनाल को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को चुना गया रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड वहां लेबर पार्टी के सदस्य थे और वो ऑथर भी थे, वो लेखक भी थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो लेखक भी थे और राजनीतिक नेता भी थे। उन्होंने कहा कि अपने अध्यक्षीय भाषण में, जो नटशेल में, जो सारांश में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत की समस्याओं के समाधान के लिए कटिबद्ध है, इसलिए हम लोग इतिहास के एक नए मोड़ पर खड़े हैं, कि ब्रिटेन भारत की समस्याओं के समाधान करने के लिए कटिबद्ध है और हम इतिहास के एक नए मोड़ पे खड़े हैं, एक नए इतिहास का निर्माण करने जा रहे हैं। यहां पे एक बात आप सबको ध्यान रखने की जरूरत है, और मुझे भी, कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, कोई संविधान बनाने की सभा नहीं थी, कि जिसमें कोई वोट के द्वारा निर्णय होना था, कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ भारतीय प्रतिनिधियों, ब्रिटिश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, रजवाड़ों की सभा थी, जिसमें राय मशवरा होना था कि भावी भारत का भावी संविधान कैसा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट यहां पे बात है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, तो ये चर्चा करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। खैर, उद्घाटन भाषण के बाद जो वेन्यू है वो बदलकर सेंट जेम्स पैलेस लाया गया, और 17 नवंबर 1930 से लेकर 21 नवंबर 1930 तक, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 5 दिनों तक यहां पे गंभीर चिंतन मनन और चर्चा हुई। और इस चर्चा में जो देखेंगे, इस बहस में जो इंपॉर्टेंट जो स्पीकर्स थे, सप्रू थे, जयकर थे, मुंजे थे, जिन्ना थे, बीकानेर के महाराज का भाषण हुआ, फिर डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ, तो बहुत ही प्रभावशाली वक्ता लोग थे और बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने सारी समस्याओं पे अपनी बात रखी। जिन नेताओं ने, हम बाद में डॉक्टर अंबेडकर पे आएंगे, लेकिन जिन प्रमुख नेताओं ने जो महत्वपूर्ण बातें वहां पे रखी, उसमें से कुछ सारांश में आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था
भाषण था वो सप्रू साहब का था। तो सप्रू साहब ने कहा कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के तीन अन्य सदस्यों की तरह भारत भी समानता प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है, कि जैसे और कॉमनवेल्थ के सदस्य थे जिसके हेड जो सम्राट होते थे, कि हम भी कॉमनवेल्थ के सदस्य बनेंगे और हमको इक्वलिटी के आधार पर हमको स्वायत्त शासन चाहिए, कि जिसमें हुकूमत सिर्फ सरकार के प्रति ही नहीं बल्कि जनता के प्रति भी उत्तरदायी हो। ये उनका इंपॉर्टेंट था कि जन आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी हो, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। सबसे दिलचस्प इसमें एक भाषण था, वो था महाराज बीकानेर का भाषण था। उन्होंने कहा, वो बेसिकली रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो रजवाड़े शामिल हुए थे जिसमें बड़ौदा महाराज भी थे और जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे और पिछले एपिसोड में भी कर चुके हैं, कि बीकानेर महाराज ने कहा कि दोनों को ऐड किया, रजवाड़ों और ब्रिटिश हुकूमत को, इसको जोड़ते हुए कहा कि रजवाड़े अपने स्वतंत्र इच्छा से स्वशासित संघीय ब्रिटिश भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर बनेगा, सेल्फ गवर्नेंस का जो फेडरल स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें शामिल होने के लिए तैयार है। इस भाषण ने उस सम्मेलन में शामिल तमाम लोगों को चौंकाया, एक तरह का आश्चर्यजनक था कि रजवाड़े जो फेडरल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें अपनी इच्छा से शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। इसके बाद जो मुस्लिम नेताओं ने बात कही वो भी दिलचस्प है, वो भी यहां पहले चर्चा कर लूं, कि मुस्लिम नेताओं ने कहा कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए तैयार हैं, उसमें शामिल होंगे, बशर्ते लेकिन कि ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों की तरह, अन्य प्रांतीय इकाइयों की तरह नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को उसी तरह का दर्जा मिले, उसी तरह का स्टेटस मिले, और दूसरा सिंध का बंटवारा हो, मुंबई प्रांत से उसको अलग किया जाए। ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि तब जाके हम ऑल इंडिया फेडरेशन के हम पार्ट बनेंगे। जयकर का इंपॉर्टेंट भाषण था, उन्होंने कहा, जरा गौर करने की बात है, उन्होंने कहा कि अगर आप हमें डोमिनियन स्टेटस देते हैं ना, कि स्वशासन का अधिकार देते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो आजादी की मांग भारत में उठ रही है कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगी। अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देते हैं और हम खाली हाथ वापस लौटे, तो आजादी की मांग और अधिक तेज हो जाएगी। तो ये था, ये जयकर साहब का बयान था। तो इस तरीके से इस सम्मेलन में और कई नेताओं ने अपना भाषण दिया और तरह तरह के विचार उस पर उभर के आए। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो था, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे सभी की निगाहें टिकी थी, कि एक यंग एनर्जेटिक डायनेमिक कॉस्मोपोलिटन इंटेलेक्चुअल, अमेरिका से पढ़ा हुआ, इंग्लैंड से पढ़ा हुआ एक्टिविस्ट है, लीडर है, स्टेट्समैन बन चुके थे उस समय और नौजवान भी थे, उस समय उनकी उम्र 39 ईयर्स थी और वो लिख चुके थे, अखबार मैगजीन निकाल रहे थे और तमाम काम कर रहे थे, सबकी निगाहें वो अम्बेडकर के ऊपर टिकी हुई थी। उन्होंने क्या कहा, ये चर्चा मैं सेपरेट अलग अगले एपिसोड में करूंगा साथियों। अगर यह विमर्श आपको अच्छा लगता है तो आपसे आग्रह है कि इसको सुनिए और सुनाइए, देखिए और दिखलाइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, समीक्षा करें। अगर ऐतिहासिक रूप से मैं कोई फैक्चुअली कोई गलत बात कह रहा हूं, कई बार डेट्स का वो याद नहीं रहता, इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसके कंटेंट को समझिए, उस हिसाब से आप डेट खुद भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर मेरी समीक्षा कीजिए, मेरे आइडियाज की समीक्षा कीजिए, और मैं जो आपको बोलता हूं, आपके बीच बोलता हूं, वो पेज नंबर प्रमाण के साथ बोलता हूं। इस पूरे विमर्श को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए आप देखिए डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग इंग्लिश वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 63 से आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सारा डिबेट्स आपको वहां पे मिलेगा। और कई पन्ना पढ़ने के बाद जो मैं उसका सारांश निकालता हूं, जो निचोड़ निकालता हूं, जो बेसिक बात निकालता हूं, आपके बीच साझा करता हूं, और ये आपके लिए एक तरीके से प्राइमरी सोर्स है। इसके थ्रू आप टेक्स्ट में जाइए, उसमें पड़ताल कीजिए, उसमें देखिए, नई बातों को तलाशिए। मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि अंबेडकर साहब को पूजा नहीं जाए, अंबेडकर साहब को पढ़ा जाए, अंबेडकर साहब को संदर्भों में समझा जाए। एक इंटेलेक्चुअल का
एवोल्यूशन होता है, जो 30 के दशक में अंबेडकर हैं वो 40 के दशक में नहीं है, उससे डिफरेंट दिखेंगे, जो 40 के दशक में है वो 50 के दशक में नहीं है, तो उनके पूरे जो विकास क्रम है, जो पूरा एवोल्यूशन है, उसको पढ़ा जाए, उनको पूजा नहीं जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष खुद ही कहा था कि भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन निसंदेह राजनीति में निसंदेह यह तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए बड़े से बड़े व्यक्ति का आदर और सम्मान कीजिए, लेकिन उसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप अंबेडकर साहब को पढ़िए, समझिए, और उनको इसलिए पढ़िए कि उनके आइडियाज को, उनके विचारों को वर्तमान समय में उसको कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाए, वर्तमान को समझने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाना जरूरी है। शुक्रिया साथियों, जय भीम। अच्छा लगे विमर्श तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय भीम। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।